अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप जैसे सहाफ़ी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो मुमरा शहर में जो बरसों से कोई काम हुआ नहीं था, आपकी आवाज़ और हमारे जैसे मुमरा शहर के सामाजिक लोग जो है आवाज़ उठाते रहे और आज मुमरा शहर में आप देख सकते हैं गलियों गलियों में काम हो रहा है। ये मुमरा शहर की बहुत बड़ी बात है। और पानी की बात बता देता हूँ, कुछ दिन पहले जो है कुछ राजनेताओं के दबाव से मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों ने मिलकर जो दुकानों में नल नहीं था वो वहाँ पे नोटिस दो दो लाख, बीस बीस लाख, पच्चीस पच्चीस लाख दे के मोटर लेके गए थे। जब उसके ऊपर हम जानकारी निकाला, फिर उसके ऊपर टीएमसी के अधिकारी खुद सर्वे किए, वो काम तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उसके बाद मैंने 30/9/2022 को मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया था कि मुमरा शहर में जो प्रभाग समिति में 15 साल से बैठे हुए अधिकारी, 10 साल 15 साल से जो बैठे हुए अधिकारी है वो यहाँ पे किसी राजनेता के दबाव से काम करते हैं। मैं सारा खुलासा के साथ में उन्हें दिया था। पहले तो मैंने कहा था कि जो दुकानों में 10 से 15 साल से कनेक्शन नहीं था उनको कौन से हिसाब से नोटिस दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा मैंने उनको लिखा था कि जो 15 सालों से घर बंद था तो घरों का टैक्स और पानी के बिल कैसे ले सकते। फिर तीसरा मुद्दा मैंने ये लिखा था कि 212 करोड़ जो पानी का जल कुंभ बनाने को प्रशासन ने दिया था वो आज तक सर यहाँ पे हुआ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो समाज को चाहिए मैं उसके लिए काम करता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों को काम कर रहा हूँ, लोगों को बीच में जाऊँ, लोगों को रास्ता भटकाऊँ और मैं जीतने के बाद मोटी रकम कमाऊँ, मैं उसके लिए नहीं हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि 212 करोड़ जो पानी जल कुंभ बनाने का रिमोल्डिंग प्रोजेक्ट का पैसा आया था उसके लिए लोग आज तक नाम नहीं दिए। अगर हमारे शहर में 5-6 टाँकी बड़ी बन जाती तो उस टाँकी से मुमरा की सभी सोसाइटी सभी बिल्डिंगों में कम से कम बगैर मोटर के पानी तो आता, ताकि जो आज ये मुमरा शहर में चल रहा है कि टोरंट 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 जो तकलीफ दे रही है वो लोगों को तो नजात मिलती। लेकिन ये नहीं चाहते थे एनसीपी के लोग कि मुमरा शहर की आवाम कुछ परेशानी में हमेशा रहे, ये कभी आराम में न रहे। तो उसके बाद में एक मुद्दा मैंने इसको खोला तो मुख्यमंत्री जी को दिया। दूसरा मुद्दा ये सीवरेज लाइन का जो 22 करोड़ रुपया आप देख सकते हैं कि अभी ये स्कूल के पास जो है क्वीन मैरी के पास अच्छा रोड को तोड़ा गया है बगैर वर्क आर्डर के, वो सीवरेज लाइन 2009 से पास हुआ था। और 22 करोड़ रुपया निधि हर वार्ड में एनसीपी के नगर सेवक के वार्ड में काम करने, लेकिन आज तक की हुआ नहीं है। इलेक्शन आया है तो रोड खोद रहे हैं, लोगों को कितना ये लोग बेवकूफ बनाए। फिर मैंने दूसरा मुद्दा दिया था कि जो आमदार जी की निधि है, आमदार कहते हैं जो निधि है उसका मैंने खुलासा किया। जब खुलासा किया तो धनंजय गोस्वामी जो है कोई भी सही तरीके से कागज का जवाब नहीं देता, माहिती का नहीं देता है। उसके ऊपर मेरा एक जीता जागता सबूत है, जो प्रशासन को इन्होंने 2,77,500 रुपये हरजाना इन्होंने भरा, मतलब ये हरजाना भर के लोगों को ये अपने आका का काम ही करते हैं, जनता का काम नहीं करता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। आप देख सकते हैं ये कि ये जनता का हमारे शहर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जब इसके बारे में मैंने जो है ये हरजाना किस चीज का भरा, ये हरजाना जब हम कोई चीज कहते हैं कि ये काम कहां से हुआ, जैसे ये आपको ब्यूटिफिकेशन बना था नाला के ऊपर, हमने आवाज उठाया आपकी न्यूज के माध्यम से भी मालूम पड़ा था, तो मालूम पड़ा तो मंत्री जी बोलते हैं किसी को क्या तकलीफ है मेरे पैसा से बनाया हूं। तो मैं उसी के ऊपर भी मैंने जो कोरोना की महामारी के टाइम पे थाने म्युनिसिपैलिटी के बगैर मंजूरी से घास वाला कंपाउंड में एक जो बच्चियों का स्कूल रिजर्वेशन था उसके ऊपर रातों रात ये लोग अपना पैसा फंड लगा के वो एक मौलाना जी का नाम डाल के बैनर फोटो लगा के उद्घाटन कर दिए। तो उसके लिए मैं जो है आवाज उठाया, आवाज जब इन्होंने नहीं सुने
तो मैंने क्या किया, थाना महानगर पालिका को लेटर दिया, जब ये लोग नहीं सुने तो मैंने जो है हाई कोर्ट की तरफ मूव किया। हाई कोर्ट से जब इनको नोटिस गया, ये देखिए हाई कोर्ट से जब इनको नोटिस आया, लीगल नोटिस, उसके बाद इन्होंने इंक्वायरी किया, इन्होंने 12/8/2022 को कि ये गलत है, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। देख सकते हैं आप, मैं जनता की आवाम को बताना चाहता हूं हमारे शहर के साथ जो हो रहा है आपके न्यूज के माध्यम से। फिर उन्होंने ये लेटर जो है 7 जुलाई 2022 को मुमरा प्रभाग समिति का जो सहायक आयुक्त है, जो किसी के दबाव में बेचारा काम करता है, वैसे तो अच्छा आदमी है लेकिन मुझे अभी लगता है किसी के दबाव से वो बेचारा कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसमें अपनी जान बचाने के लिए ये कार्यकारी अभियंता शहर विकास को ये लेटर भेजा कि इसमें क्या लिखा है, विद्यार्थी मूली साठी आरक्षित असले ने जमीन और अतिक्रमण करने घटक कार्रवाई करने में आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये क्यों ऐसा कि ऐसा अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। जिस तरह से तनवर नगर में आपको मैं बता दूं, चुनाव जैसे आया, ईडन पार्क है, आपको बता दूं ईडन पार्क, उसका बिल्डिंग का नाम ईडन पार्क है, जिसकी सोसाइटी में गेट लगा है, बहुत बड़ा सोसाइटी है ABCD। तो इन्होंने वोट लेने के लिए ये अधिकारी हमारे माननीय मंत्री महोदय को पार्टी को चलाने के लिए ठेका लेके बैठे हैं। इन्होंने वहां पे 30 लाख रुपया यानी 10, 10, 20 और 9 लाख यानी टोटल 30 लाख का बिल्डिंग के अंदर उन्होंने बिल्डिंग का नाम बदलकर 30 लाख रुपया जो जितेंद्र अवार्ड के फंड से उन्होंने निकाल के वो काम किया गया, आप देख सकते हो, जनता क्या देख सकती है, बिल्डिंगों के अंदर का काम हो रहा है, रोड में खड्डे पड़े, आप देखे होंगे इसके पहले बारिश में कितने खड्डे, ये वो सब, तो ये क्या है। तो उसके बारे में हम आपको और बताना चाहते हैं कि नाटकर एक बिल्डिंग है यहाँ पे, नाटकर वो लोगों ने बोला कि ये साहब का फंड 1 करोड़ रुपया दिया है, तो साहब की सच्चाई मैं बता रहा हूँ, साहब कितने सच्चे हैं। अच्छा, ये बाउंड्री वाल का जो 30 लाख रुपया बता रहे, इसका क्या मामला? बाउंड्री आर्ट नहीं है, ये सोसाइटी के अंदर खोबा हुआ है मेरे भाई, रास्ता बता के, वहाँ कोई रास्ता वास्ता नहीं। देखो किसने करवाया था? ये जितेंद्र रावत साहब के फंड से हुआ है, मेरे पास पूरा सबूत है, ये मेरे पास पूरा सबूत है, आपको मैं बता देता हूँ, पूरा सबूत के साथ मैंने मुख्यमंत्री को, नगर विकास को सब मैंने दिया हूँ। इसकी जाँच इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाली है। और दूसरी बात, वो जो अधिकारी को यहाँ पे बैठा के रखे हैं, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए काम जब खत्म होता उसके बाहर भी जाता है वो कार्रवाई करने। इसी तरह से एक सामने आया है कि किसी औरत को रात को गया है, उसने धक्का मारा है, 354 केस उसके ऊपर कोर्ट से मान्य किया गया है, इंशाल्लाह 7 तारीख को वो भी सामने आ जाएगा, क्या सही है क्या गलत किया है। ये है वो एक जो बेचारा दुखियारी है, वो तो दुख तो जाएगा, दुखियारी दुख तो अपना बताएगा अगर कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जब ऐसे अधिकारी हैं यहाँ पे। कौन से अधिकारी है, क्या नाम है? देखो मैं तो इसको जो है जब ये नहीं सुने थे, मैंने जो है 5 मई में मैं राज्यपाल जी को इसकी शिकायत किया था, ये लोग सुन नहीं रहे थे, राज्यपाल जी ने बोले ये संबंध में हमने नगर विकास को भेजा है, तो वहां से हमको लेटर आया कि सब कार्रवाई के लिए हमने आदेश दिया है। एक है धनंजय गोस्वामी यांचेपर, कार्यकारी अभियंता मुमरा प्रभाग समिति, दिनेश सिंगड़े यांचेपर डिप्टी इंजीनियर, तीसरा टेकाले, ये हमारे जो वार्ड में इंजीनियर आज है, वो इलेक्शन आते ही वो बगैर वर्क आर्डर और बगैर उसको जो काम किया है मैंने बराबर फॉलो किया हूँ, उनको बराबर लेटर दिया हूँ, वो जो है मुझे माइती देते हैं, माइती मांग रहा हूँ मैं तनवर नगर का, मुझे दे रहे ना सेवन का, और मैं माइती मांग रहा हूँ कंधारी का, वो दे रहे मेरे को मुमरा का। तो ये इतना बड़ा यार, हम लोग एक तो मुमरा शहर की जनता इतनी बेकार हो गई है, इतना गलत समझ रहे हैं, पढ़े लिखे ही लोग हैं क्या, यहाँ की जनता क्या पढ़ी लिखी नहीं है? तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो खेल हो रहा है अभी, तो इनके नगर सेवक 15 साल से अच्छे ढंग से गटर नहीं बना पाए, अच्छा रास्ता नहीं दे सकते। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले वो हमारे मंत्री महोदय, ठीक है, अभी ये सब मामले को लेकर आगे आप क्या करने वाले? देखो ये तो अभी मेरे पास पूरा सजा के पूरा आ गया है जवाब,
और इंशाल्लाह मैं कल जो है इसको सब तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैं कमिश्नर को सारी दास्तां जाके ऐसे बैठूंगा और बताऊंगा, अगर वो ऑफिसर नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करेगा तो मैं इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाऊंगा। सबूत के आधार पे कोर्ट जो है बात करती है और मेरे पास सारा सबूत है। जो माननीय आमदार जी हैं वो कहते हैं कि मुमरा शहर को हमने सजा दिया है, मुमरा शहर। अरे हमें ये बता दो, अगर तुम्हारे नगर सेवक इस वार्ड में चार नगर सेवक थे, अगर वो अपना फंड लगाते तो आज मुमरा शहर में नहीं पूरे गलियों में खड्डे नहीं होते। तो उसकी लड़ाई जब तक हमने देखो आज ये क्यों परेशान है, इलेक्शन आया है, देखो किस्मत कानूनी की उधर जो रास्ता तोड़ दिया गया है, अभी उसको चौड़ा कर गया, उसको वर्क ऑर्डर अभी भी नहीं है, वो फाइल पुट अप किया गया है, ठीक है। लेकिन 15 साल तुम वो रास्ता तुमको नहीं दिखा था, अब तुम कहीं ना कहीं जो है फेलियर नजर आ रहे हैं। इसलिए जनता मैं खुश हूं, अल्लाह का शुक्र है हम आवाज उठाते तो हमारे शहर के लोगों का काम तो हो रहा है। मैं शहर के लोगों या सोसाइटी के लोगों के फेवर में हूं कि कम से कम यही वक्त है, ये लोग काम तो करते, बाकी 4 साल तो गायब रहते, जैसे चुनाव आता है बस अपना आका। अरे यार एक चीज ये बताओ भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं, एक बड़ा मंत्री के लेवल में उसको गटर और नाला के नाम से याद किया जा रहा है यार। मुमरा शहर में गटर और नाला, अगर मंत्री बनता है आमदार बनता है गटर नाला, अरे वो मंत्री जी पूछे ना नगर सेवक के वार्ड में जो गटर नाला में प्लास्टर तक नहीं है और पैसा गया कहां। मैं वो खुलासा आपके माध्यम से करूंगा और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी सर, ये पक्का। देख सकते हैं आपको ये जो ये देखो मुमरा प्रभाग समिति की तरफ से कार्रवाई करने के लिए उसमें भी बहुत बड़ा काला कांटी है और वो काला कांटी निकलेगा। तुम बोल रहे हो कि हमने नहीं किया, म्युनिसिपैलिटी बोल रही है कि ये हमने ये लिख के हमको दे रहे हैं कि कोई वहां पे गार्डन हमने बनाने का परमिशन नहीं दिया है, देखो मेरे पास लेटर है। फिर ये वहां पे हमारे माननीय जितेंद्र आवार की टीवी कैसे लगी है, वहां पे म्युनिसिपैलिटी का मोनोग्राम कैसे लगा है, फिर उसके बाद जो यहाँ म्युनिसिपैलिटी का ये बेचारा क्या बोलते हैं सुरक्षा गार्ड वहां कहां से आया, तो हमको बोलते हैं कि हमने परमिशन नहीं दिया, तो ये कहां से आया है, ये मैं कोर्ट से जवाब मांगा हूं इसके लिए। और अगर ये तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, वो जगह के ऊपर बच्चियों का स्कूल नहीं बनाएंगे, इसके लिए बहुत बड़ा जनता के लिए देखो मंत्रालय से महाराष्ट्र शासन से उसकी जांच आई है कि इसका जो है जल्द से जल्द क्या सही है, तब इन्होंने जांच किया, ये देखो कॉपी है, तभी सागर सालों के ने तभी ये मुझे लेटर दिया है कि हमने कार्यकारी अभियंता शहर को लेटर दिया है कार्रवाई करो, लेकिन वो बोलते हैं जब तक ये नहीं आएंगे थाना से मैं नहीं जाऊंगा अकेले। कौन बोल रहा है, मुमरा प्रभाग समिति के जो सहायक अधिकारी वो क्या बोल रहे हैं, ये काम इनका है मेरा नहीं है, ये जब आएंगे तो मैं कार्रवाई करूं, तो ये पेंडिंग में है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक झोल है और इस झोल को हम इंशाल्लाह ऊंचे स्तर से इनकी जांच कराएंगे। यार ये क्या समझ रखे हैं, हम गटर नाला के ऊपर जो राजनीति किए जो कर रहे हैं 15 साल से, कौन सा एक अच्छा स्कूल बनाए हैं, आज ये जो बहुत से कैंप लगाए जा रहे हैं देख सकते हैं, कभी था क्या मुमरा शहर में, ये हमारी देन थी, आज जो ये लोगों को फैसिलिटी मिल रही है और ये जो कैंप लग रहे हैं ये अभी का नहीं है, ये सरकार के जितने फंड से, कभी तुमको याद नहीं आया, अरे हमने याद दिलाया तुमको जनता के लिए क्या क्या आता है। तो आज जो ये काम कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम ये तो सो तो नहीं रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन पहले बाहर था, इंशाल्लाह आ गया हूँ और अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा जो है ये लड़ाई चलती रहेगी, ये काम कराते रहेंगे और हमें खुशी होगा कि ये काम करें, हम काम कराते रहेंगे, हमारे मुमरा शहर का काम होना चाहिए।